गाजियाबाद में सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि आगामी 30 नवंबर तक जिले के सभी निवासियों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा सके, जिसके लिए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने आशा वर्कर और ANM की ड्यूटी लगाकर घर घर लोगों को वैक्सीन लगवाने की पहल शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अब खुद गांव और घरों तक पहुंचकर ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवाने में जुटे हुए हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। इस पूरी पहल को लेकर गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि गाजियाबाद वैक्सीनेशन को लेकर पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर है और पूरे प्रदेश के एवरेज से कहीं ज्यादा वैक्सीनेशन यहां लोगों का हुआ है, जिसके लिए ऐसे लोगों के पास जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम खुद प्रयास कर रही है कि उन्हें भी वैक्सीनेशन किया जा सके, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ANM वर्कर और आशा वर्कर्स की ड्यूटी लगाई गई है। अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने के साथ ही लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेट किया जा रहा है। पहले तो पहले क्यों नहीं लगवाई थी आपसे पहले? दरअसल मेरे पास दो बच्चे हैं, मतलब एक तो माइंड से थोड़ी प्रॉब्लम है उसको, लड़की को, और एक छोटी ज़्यादा है, तो मतलब पहले तो दूध पिलाने की दिक्कत थी। पहले ही बताया गया था कि मतलब दूध पिलाने वाली औरतें नहीं लगवा सकती। अच्छा, किसने बताया था आपको? एक डॉक्टर ने बताया था। अच्छा, फिर जब दूसरी आई तो फिर इनके कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लगवाने से, तो आप लगवा सकते हैं। और वो मैंने बताया फीवर वगैरह का चक्कर था, कोई बुखार के डर से आपने वैक्सीन नहीं लगवाई जी। पहला तो आज लगवाई है आपने, तो कैसे लगवाई आज आपने? नहीं, इन्होंने मैडम ने बताया कि भाई कोई इसका कोई मतलब दिक्कत है नहीं लगवाने। घर पे आज आकर वैक्सीन लगवाई है, मतलब घर पे लगाने आए हैं आपके, तो क्या कहेंगे इसको लेकर घर पे आ जाएं? धन्यवाद करेंगे हम तो। जो एग्री नहीं कर रहे उन्हीं के घर ज़्यादा जाना पड़ रहा है हमको, बाकी तो सब लोग लगवा ही रहे हैं। जैसे जो एग्री कर रहा है वो तो पहले ही लगवा लेते सब, अब जो नहीं कर रहा है उसके यहाँ तो बहुत सारी समस्या हमें फेस करनी पड़ रही है। पब्लिक लड़ाई इस तरह कर रही है कि हमें तो नहीं लगवानी है, और पब्लिक को मतलब ये है कि बुखार हो जाएगा इस वजह से नहीं लगवा रहे हैं। लोगों के अंदर डर है। हाँ, तो आप किस तरीके से उनको समझा रहे हैं, किस तरीके से मना रहे हैं उन लोगों को? उनको बता रहे हैं कि बुखार होना उसका अच्छा इफेक्ट होता है ना, बुखार होना उससे मतलब ये वैक्सीन असर कर रही है कि अगर थोड़ा बुखार हो रहा है तो पैरासिटामोल दे रहे हैं, तो पब्लिक में थोड़ा सा भरोसा हो ही जाता है। ये हमने सभी लोगों का सर्वे कर लिया है कि जिस क्षेत्र में वैक्सीनेशन कम हुआ है, जो लोग सेंटर तक नहीं आ सकते उनको हमने भेज दिया कि पूरा प्रिकॉशन के साथ हमारी टीम के साथ आप उनके जो लोग आने में असमर्थ हैं उनको वैक्सीन उसके नज़दीक स्टेशन में जाकर दे दें। और पोलियो की तर्ज पर हम एक एक घर को इवेल्यूएट कर रहे हैं कि किसके यहाँ वैक्सीन लगी है किसके नहीं। तो ये कब तक चलेगा सर, ये गाँवों में मोहल्लों में जा जाकर हमको उनको 30 तारीख तक सभी लोगों को वैक्सीनेट करना है 30 नवंबर तक, ये कम से कम उनको पहली डोज लग जाती है। तो ज़्यादातर लोग अब लगवा ही रहे हैं सर? नहीं, इस जनपद में हम उत्तर प्रदेश में काफ़ी आगे हैं, हमने बहुत सारा वैक्सीनेशन किया और उत्तर प्रदेश में हम दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे नंबर पर हैं वैक्सीनेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो हमारे यहाँ बहुत ही कम बचे हुए हैं। तो जब उनके लिए हमने शाम को स्प्लिट सेशन भी लगाया, तो शाम को 5 बजे से 8 बजे तक काम करेंगे, और साथ ही जिनको वैक्सीन में आने में देता है उनके नज़दीक से नज़दीक जाकर उनको वैक्सीनेशन किया।